सेबी का एक और धमाका। जी हाँ, दनदनाती न्यूज, एक ऐसी न्यूज जिसने स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के दिमाग में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, क्या स्टॉक मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, फिर से गिरेगा स्टॉक मार्केट। क्या ऐसी न्यूज है दोस्तों, क्या कदम उठाया सेबी ने। अभी मार्जिन रूल्स हटे नहीं थे, एक और रूल लेके आई है सेबी। जी हाँ, इस बार रूल आया है म्यूचुअल फंड्स को लेके। दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट को हिलाया जा सकता है? समझने वाली बात है कि जो नया नियम है वो कितना कारगर साबित होगा और क्या इसका उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है और इससे आपके और मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर में क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो दो तरह से निवेश करते हैं, या तो SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से। जैसे भी आप निवेश करें, आपका निवेश तो बाजार में रहता ही है। अब यहां डर ये है कि इस नए कड़े नियम से क्या होगा, क्या बाजार गिरेगा, क्या आपकी म्यूचुअल फंड्स खतरे में हैं, क्या आपको म्यूचुअल फंड से बाहर हो जाना चाहिए, क्या वो लाइन आपको याद है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, क्या वो मार्केट रिस्क का ये टाइम आ गया है। दोस्तों, इस वीडियो पे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या होगा इस नए रूल के हिसाब से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। टाइम है तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, इस नए नियम से बाजार गिरेगा या नहीं गिरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की है आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखने का, टाइम हो तभी वीडियो देखें। और हाँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है सेबी के नए रूल। सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेबी ने एग्जैक्टली किया क्या है, उस रूल को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसको कैसे समझा जाए, इस रूल चेंज का असर क्या होगा, कैसे इसको बारीकी से देखा जाए। तीसरा पॉइंट इसमें रहेगा कि क्या हमें इससे बाजार में कोई गिरने की सुगबुगाहट आ रही है, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखने वाली बात है। चौथा पॉइंट रहेगा कि व्हाई फंड मैनेजर्स लोडेड अप विद लार्ज कैप फंड्स। दोस्तों, लार्ज कैप फंड बार बार इस्तेमाल हुआ है इस वीडियो में। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स हैं जहां पे जिन जो स्टॉक्स निवेश किए जाते हैं उनकी वेटेज बहुत हाई होती है, निफ्टी में वेटेज हाई होती है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होता है। तीन तरह की जनरल कैटेगरी देखी गई है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जो भी फंड मैनेजर हैं आपका इन्हीं तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है जो फंड मैनेजर हैं जो सारा पैसा, मतलब मैक्सिमम पैसा जो है वो लार्ज कैप फंड्स में लगाते हैं, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, मल्टी कैप फंड रख देते हैं। यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स को फोकस में किया जा रहा है। दोस्तों, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो फोकस दिया जा रहा है वो आ रहा है मल्टी कैप फंड्स में। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आप मल्टी कैप फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको डरने की जरूरत है, या तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा हिल सकता है, तो आप इफेक्टेड होंगे। पर अगर आप मिड कैप फंड्स में या स्मॉल कैप फंड्स में है तो मेरे हिसाब से आपकी चांदी होने वाली। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्यों चांदी होने वाली, देखते हैं, समझते हैं। पहले पॉइंट्स देखते हैं इस वीडियो में और क्या कवर करने वाले हैं। सेबी का जो नया रूल है, हाउ विल दैट इफेक्ट द मल्टी कैप्स एंड द स्टॉक मार्केट इन जनरल, ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि कैन मल्टी कैप फंड्स स्टिल हैव हायर एक्सपोजर इन लार्ज कैप फंड्स, क्या ऐसा ट्विस्ट है, कैसे वो कर सकते हैं कि क्या इस नियम के बावजूद भी वो अपना जो पोर्टफोलियो का जो साइज है ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप फंड्स में रख सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैन फंड हाउस मूव टू द लार्ज कैप स्टॉक्स रादर देन मिड कैप, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप फंड्स, मतलब यहां से निकलने की कोशिश करके वो लार्ज कैप फंड्स में जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा से वो उनके फेवरेट रहते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, उनको वेटेज मिलती है, उनको फंड मैनेजमेंट करने की आसानी होती है। कैसा होगा? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या सेबी ने सही उठाया है? और इसके बाद जो पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया दोस्तों, वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समझते हैं कि सेबी ने क्या किया। पहले इस रूल को समझ लीजिए। इट इज टोल्ड मल्टी कैप फंड्स दैट अ मिनिमम ऑफ 75% ऑफ देयर कॉर्पस शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 2021, मतलब 2021 फरवरी तक आपका जो इन्वेस्टमेंट इन जो इक्विटी इक्विटी लिंक स्कीम्स है वो 75% तक आपको करना ही होगा। अभी क्या होता है कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है जो फंड मैनेजर्स है मल्टी कैप फंड्स में वो 65% तक ही लगाते हैं, बाकी और कैटेगरी में दूसरा पैसा लगा देते हैं। बट यहाँ पे जो इक्विटी इक्विटी लिंक स्कीम्स जो है उसमें सिर्फ 65% का मैक्सिमम एक्सपोजर रहता है, जिसको बढ़ा के 75% किया जाएगा। फॉर फरवरी फंड मैनेजर्स विल ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट दे इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ, लाइन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रॉम फरवरी फंड मैनेजर्स विल हैव टू इंश्योर दैट दे इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ द कॉर्पस इन ईच ऑफ थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स दैट आर पार्ट ऑफ मल्टी कैप, लार्ज कैप्स
मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, मतलब ये तीन कैटेगरी में पैसा लगाते हैं और हर कैटेगरी में कम से कम 25% आपको लगाना ही होगा हर कैटेगरी में, ये रूल है दोस्तों। अभी क्या करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर 60-65% का एक्सपोजर वो लार्ज कैप्स में लगा देते हैं, बाकी कुछ छोटे मोटे मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते हैं। अब क्या होगा, बराबर बराबर दोस्तों आपको कम से कम एक कैटेगरी में मिनिमम 25% इन तीनों कैटेगरी जिसमें अगर आपका एक्सपोजर जो है मल्टी कैप फंड की एक्सपोजर कैटेगरी आपकी है तो उसमें आपको निवेश करना ही होगा। दूसरा नियम, इसको समझे कैसे इस रूल को, SEBI is of the view that the majority of the multi-cap funds have high exposure to large cap stocks. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा exposure large cap stocks में होता है and are not investing enough in mid and small cap stocks. दोस्तों इन lines को मैं quote क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि lines SEBI की हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। वो small cap और mid cap में कम से कम पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा market को manipulate करने के लिए large cap funds में लगाया जा रहा है। In order to diversify the underlying investments of multi-cap funds across the large, mid and small cap companies and to be true to level, it has been decided to partially modify the scheme characteristics of multi-cap funds, the SEBI said. SEBI की कोटेशन है दोस्तों, तो SEBI चाहती है कि अब मल्टी कैप फंड्स जो है वो जो मल्टी कैप जो नाम बना है जिसके उद्देश्य से मल्टी कैप को बनाया गया था उसको पूरा किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पढ़िए इसको। यस, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय वेरियस ब्रोकिंग फर्म्स, टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मल्टी कैप फंड इज 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के अंडर में। ऑफ दिस लार्ज कैप अकाउंट्स ऑफ रफली 65%, मतलब खाली लार्ज कैप में 65% लगाते हैं, जबकि होना कितना चाहिए अब नए रूल के हिसाब से मिनिमम 25% होना चाहिए मिड कैप में, मिनिमम 25% होना चाहिए स्मॉल कैप में, मतलब मैक्सिमम 50% तक जा सकते हैं। सोचिए तो 15% का टेक्निकली कट आने वाला है लार्ज कैप स्टॉक्स में। अब हुआ क्या है इसमें, तो हो सकता है जो फंड मैनेजर्स हैं अब उनको कंपल्सरली, जी हाँ जबरदस्ती है, ये रूल है, ये गाइडलाइंस हैं, अब उनको उस इक्विटी का जो वेटेज है जो कॉर्पस इन्वेस्ट किया उन्होंने लार्ज कैप फंड में उसको कम करना होगा जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में फंड मैनेजर्स इतने क्यों फेवरेट होते हैं दोस्तों, वो क्यों पसंद करते हैं इसको? दोस्तों हाल फिलहाल में पैंडेमिक देखा हमने, कोविड देखा, उसके बावजूद भी लार्ज कैप कंपनीज ने फेयरली परफॉर्म किया, तो यही एक वजह होती है कि ऐसा कोई पैंडेमिक आए, कोई ऐसी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस आए तो लार्ज कैप कंपनीज के साथ वो अपनी नैया को पार करा सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल उनका फिर भी बढ़ जाता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत खतरा होता है क्योंकि उनका कॉर्पस बहुत स्मॉल होता है, उनका मार्केट कैप बहुत स्मॉल होता है, उनका एक्सपोजर बहुत स्मॉल होता है। स्टॉक मैनेजर्स की पसंद होती है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स में लगाना, लिक्विड स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि अगर लोअर सर्किट लगे तो कभी कभी कई कई महीने तक सर्किट खुलते भी नहीं है, लिक्विडिटी का करंट चाहता है। तो ये एक वजह थी सबसे बड़ी जो फंड मैनेजर 65% अपना लार्ज कैप में लगाते थे। बट अब इस स्पेशल कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड व्हिच इज कॉल्ड एज मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, इसमें इसको ट्वीक किया गया है। How will new SEBI rule affect multi-caps and the stock market in general? ये समझने वाली बात है। Portfolios that have less than 25% exposure to each of mid-cap and small-caps and high exposure to large-caps will have to be rebalanced. क्या समझे? Well, जिस भी multi-cap fund के अंदर में आपका portfolio small-cap और mid-cap में 25% से कम है, उसको rebalance किया जाएगा। समझिए मैं क्या बोलूँ, 65% large-cap था, बाकी 25 और 10 था, तो अब 65 को 50 किया जाएगा, 25-25 उसको किया जाएगा। ये possibility करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो फंड मैनेजर है उसको लार्ज कैप स्टॉक्स को बेचना पड़ेगा, इससे सेलिंग आएगी लार्ज कैप स्टॉक्स में। क्या बाजार वाकई हिल जाएगा, क्या बाजार गिर जाएगा, क्या ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा, टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हुआ क्या, जब लार्ज कैप स्टॉक्स में एक फंड मैनेजर अपना माल बेचने लगेगा तो उसको एक बायर भी चाहिए। सोचिए ऐसा थोड़ी ना है कि अपने लार्ज कैप स्टॉक्स को बेच के चला जाएगा वो, अगर उसके वो फेवरेट स्टॉक्स हैं, उसने वो स्टडी की है, तो हो सकता है वो एक नया फंड लेके आए या अपने जो लार्ज कैप फंड्स है वहाँ पे उन स्टॉक्स की बाइंग की जाए, तो एक जो पोर्टफोलियो शिफ्ट है वो होने की संभावनाएं पूरी पूरी दिखाई देती है। हाँ, एक बार के लिए सेलिंग आएगी, तो सेलिंग जब आती है तो बाजार गिरता ही है, उसमें कोई शक नहीं है, बट हाँ वो सेलिंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी, एक सस्टेन्ड सेलिंग होगी, वो आने वाले टाइम में अपने आप को संभाल लेगी, बाजार को संभाल लेगी। यस, दिस कैन रियली पुट फ्रंटलाइन इंडेक्सेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स अंडर प्रेशर। टाइम बीइंग के लिए एक प्रेशर आ सकता है जब माल बिकने लगेगा लार्ज कैप में से, पर कोई खरीदेगा यार, एक माल बिकता है तो खरीदा जाता है, तो घबराने वाली क्या बात है। जो लोग परेशान है, टेंशन में रहे भाई लार्ज कैप से निकल जाए, निकल जाओ, क्यों निकल जाओ, लार्ज कैप में से कोई फंड मैनेजर बेवकूफ है क्या, क्या वो पागल है क्या, क्या उसकी स्टडी उतनी अच्छी नहीं है, क्या उसने कुछ सोच के पैसा नहीं लगाया था, इतनी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा रहा है, अगर एक फंड में से उसका कॉर्पस को हल्का करना पड़ रहा है तो उस कॉर्पस को दूसरे फंड में शिफ्ट करेगा, वो सीधी सी बात है, कोई नया फंड लेके आएगा वहाँ पे पोर्टफोलियो शिफ्ट करेगा, या एग्जिस्टिंग फंड्स के जो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कैश में बैठे हैं कंपनी, जो फंड्स कैश में बैठे हुए हैं, कैश में तो रखते हैं म्यूचुअल फंड वाले, वहाँ पे उसको शिफ्ट करेंगे, तो घबराने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। एक हाँ टाइमली इफेक्ट इसका आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट मैं सोचूँ तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो पॉजिटिव होने वाला है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। जो मिड कैप में पैसा लगाते हैं, जो स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं, उनकी चांदी होने वाली है, मिड कैप स्मॉल कैप भाग जाएंगे। कैन मल्टी कैप फंड स्टिल हैव हाई एक्सपोजर टू लार्ज कैप स्टॉक्स? सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको।
टेक्निकली यस, कैसे? इफ द फंड हैज इन्वेस्टेड 100% ऑफ इट्स कॉर्पस इन इक्विटीज, इट कुड हैव अ 50% एक्सपोजर टू लार्ज कैप फंड्स एंड 25% एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल कैप। ये ट्विस्ट है दोस्तों। जनरली क्या होता है, फंड मैनेजर थोड़ा सा कैश में बैठे होते हैं, ठीक है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। बट अभी यहाँ क्या होगा, अगर मान लो उनका हाई पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट जो फुल्ली इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी लिंक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, या ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो पूरा पूरा कोई डेट में नहीं लगाते, पूरा इक्विटी में लगाते हैं, 100% एक्सपोजर इक्विटी में होगा, तो क्या होगा, 50% वो लार्ज कैप में लगा सकते हैं और 25% स्मॉल और मिड कैप में, क्योंकि 25% मिनिमम है यार, 25% मिनिमम को रख के वो बाकी लार्ज कैप में लगा देंगे, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ भी एक बैलेंसिंग की जाएगी, एक मैनेजमेंट की जा सकती है। कांट फंड हाउस मूव टू लार्ज कैप स्टॉक्स फ्रॉम मल्टी कैप फंड्स टू लार्ज कैप फंड्स? क्या जो फंड हाउसेज हैं वो मल्टी कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Yes, they can, but the large cap funds should have the money to buy the stocks. पैसा होना चाहिए भाई। अगर मान लो वो जो इक्विटी वाले फंड्स होते हैं, अगर पूरा पैसा वो इन्वेस्टेड है तो फिर कैसे करेंगे? तो एक दिक्कत आने वाली है, अगर कोई म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर ने अपना कुछ कैश रखा हुआ है, 100% एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, वहां पे तो चांसेस है कि थोड़ा 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 यहाँ वहाँ हेयर एंड देर वो ट्विस्ट करके शिफ्ट कर दे, बट अगर उसका पूरा एक्सपोजर हो चुका है तो परेशानी है भाई, उसको माल बेचना ही पड़ेगा, और ये परेशानी बाजार को एक बार के लिए नीचे ट्रैक कर सकती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बाजार एक ऐसे लेवल के ऊपर में है जहाँ पे बाजार गिर सकता है, और ये वही लेवल है दोस्तों। अगर यहाँ से बाजार गिरा, लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग आई इस म्यूचुअल फंड के सेबी के नए रूल की वजह से, तो निफ्टी कैन ईजिली टेस्ट 9,000-10,000 लेवल्स अगेन ईजिली। क्या सेबी ने सही किया, ये समझने की कोशिश करते हैं। सेबी हैज ए पॉइंट इन दैट द फंड्स शुड बी ट्रू टू लेबल, मतलब जो लेबलिंग है, मतलब ऐसा नहीं ना भैया स्टीकर तो कुछ और लगा हुआ है, अंदर कुछ और है, ऊपर तो लिखा मल्टी कैप फंड पर सारा सारा एक्सपोजर लार्ज कैप फंड में और स्मॉल कैप और मिड कैप में सारा सारा एक्सपोजर, तो लेबलिंग सही होनी चाहिए। एंड द कंपोजिशन ऑफ फंड्स शुड बी इन लाइन विद व्हाट इज एडवर्टाइज, मतलब जागो ग्राहक जागो, ग्राहक को जो बताया गया है, जो एडवर्टीजमेंट की गई है कि ये मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, अब मल्टी कैप फंड होना चाहिए। बट मार्केट वॉचर्स से दैट टू मच माइक्रो मैनेजमेंट विल डू मोर हार्म टू द इंडस्ट्री देन गुड। ये परेशान होने वाले लोग हैं यार जो ऐसी बातें करते हैं। रूल्स लाइक दीज लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ द फंड मैनेजर्स। क्यों फंड मैनेजर को ऐसी फ्रीडम क्यों दी जाए जो आपके और मेरे पैसे के ऊपर मजाक करे बैठ के? वो हमें बेचता तो है मल्टी कैप फंड, बट लगातार सारा पैसा लार्ज कैप फंड में, ऐसा क्यों है? जब हमारे पास इतनी सारी स्कीम्स लार्ज कैप फंड्स की अवेलेबल हैं, तो मेरी मर्जी है मैं लार्ज कैप फंड में लगाऊं कि स्मॉल कैप में लगाऊं, बट अगर मल्टी कैप के नाम में भी मुझे लार्ज कैप भी देखने को मिल रहा है, तो फिर मैं मल्टी कैप में जा क्यों ना हो यार? मेरा पोर्टफोलियो कहाँ बैलेंस हो रहा है? ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं बैलेंसिंग करके इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ उस म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, तो मुझे ये राइट है कि मेरा पैसा सही जगह सही लेवल के अंदर में लगे। इवन विद द रिस्ट्रिक्शंस इट इज अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम दैट ब्रिंग्स इन इन्वेस्टर थ्रू द डोर। ठीक है, सही बात है, बट ये राइट एक इन्वेस्टर का होना चाहिए कि उसको पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अगर उसने पैसा स्मॉल कैप के नाम पे दिया है, अगर वो रिस्क लेने को तैयार है, तो उसका पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाना फंड मैनेजर की ड्यूटी है। अगर उसने पैसा लार्ज कैप के लिए दिया है, तो लार्ज कैप में लगाना फंड मैनेजर की ड्यूटी है, उसके रैशनली नहीं हो सकता, उसकी मर्जी नहीं हो सकती है, तो उसकी फ्रीडम को हिट करने वाली बात ही कहां से आती है? तो आई डोंट बाय दिस पॉइंट व्हिच इज रिटन ऑन द वन ऑफ द न्यूज पोर्टल। ये सब पॉइंट्स मैंने वहां से निकाले दोस्तों आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे बड़ी बात, लास्ट पॉइंट, कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। स्टे इन्वेस्टेड। जब बाजार में कोई भी न्यूज़ आती है, मैं 18 साल के एक्सपीरियंस या अनुभव से बता रहा हूँ कि जब भी बाजार में ऐसी कोई न्यूज़ आती है, तो रिटेल को बाहर कर दिया जाता है, रिटेल बाहर हो जाता है, जंगल की आग में सब जानवर बाहर जाते हैं। जंगल में रहता कौन है? बड़े जानवर रह जाते हैं, जिनको पता होता है कि आग एक दिन बुझ जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो छोटे निवेशक हैं, प्लीज़ डोंट पैनिक, इट इज़ नॉट द टाइम टू पैनिक, बट हाँ, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सिटिंग इन कैश, आपके पास कैश होना चाहिए कि भैया बाजार गिरेगा, फिर से एक मौका मिलने वाला है पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, अच्छी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में लगाने का, अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स को बाय करने का। बट हाँ, इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई दोस्तों, कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में रैली आने वाली है दोस्तों, और ये तेजी का एक संकेत होता है, आने वाली तेजी का बहुत बड़ा संकेत है कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें जब बाइंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो समझिए स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स कहाँ से कहाँ भाग जाएंगे। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आनी शुरू होती है, तो एक तेजी का एक आगाज होता है। तो मेरे हिसाब से ये तेजी का आगाज वापस से अगर निफ्टी या 10,000 के लेवल से बाउंस करेगी या 9,000 के लेवल से बाउंस करेगी, ये देखने का विषय है। अब लाइव सेशंस में आया कीजिए, हमारे लाइव सेशंस ड्यूरिंग द मार्केट होते हैं और रात को 9 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होते हैं। डेली हमारे चैनल पर नई वीडियो आपके लिए पोस्ट होती है। तो दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और हाँ दोस्तों, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपका एक लाइक और कमेंट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।